हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुभम पुरोहित आपका ज्योग्राफी एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ड्रिंस पर मैग्नेट मैग्नेटिंग जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमैटिकली प्रोवाइड करने के लिए जहां पर आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में हम आपको प्रोवाइड करते हैं कक्षा छठवीं से लेकर बारहवीं तक सभी कक्षाएं साथ ही साथ सांत, अगर आप ई e नोट्स और ई e बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है में में हिंदी माध्यम हम जिन boards को कवर करते हैं वो boards हैं बिहार और राजस्थान इन सभी boards में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कक्षा ग्यारहवीं में आप लोगों को तीन बुक पढ़नी होती है एक बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत दूसरी बुक जिसका नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण और तीसरी बुक एक प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक कार्य की बुक होती है जिसके माध्यम से आप लोगों को स्कूल में प्रैक्टिकल्स करने होते हैं तो हम लोग पहली बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत इस बुक का छठवा चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम है भू आकृतियां तथा उनका विकास तो हम विभिन्न भू आकृतियां जो हमारे धरातल पर और हमारे धरातल से नीचे पाए जाते हैं उन सभी भू आकृतियों का अध्ययन हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अपर्दित स्थलाकृतियों के बारे में बता दिया था आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ निक्षेपित स्थल रूपों के बारे में जानेंगे अपर्दन क्या है अक्षय क्या है निक्षेपण क्या है ये तो हम पिछले चैप्टर में ही बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि चट्टाने टूटकर अपने ही स्थानों पर अगर गिरती हैं तो इसे हम लोग अक्षय बोलते हैं विभिन्न कारकों के द्वारा सपोज करिए पवनों के द्वारा अगर उन चट्टानों का प्रवाह कर दिया जाता है या जल के द्वारा मान लीजिए वो चट्टाने एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग अपर्दन यानी इरोजन बोलते हैं और अगर वो चट्टानीकरण कहीं जाकर जमा हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इस परिणाम को बोला जाता है निक्षेपण यानी डिपोजिशन तो जमाव की ये प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रवाहित जल द्वारा जो निक्षेपित स्थाकृति है उसका नाम है जलोड़ पंख यानी एल्यूवियल फैंस ठीक है पंख पंख मतलब जो पंखा होता है ना हम लोगों का उसी तरीके की एक आकृति यहां पर बनती है आप लोगों ने पिछले आ, कुछ सालों पहले देखा होगा जब लाइट नहीं रहती थी गांव में आज भी हालांकि गांव में इस तरीके के फैंस जो हैं यूज होते हैं कई बार लकड़ी के फैंस होते हैं जिसको हम हवा करते हैं कई बार वो फैन जो होता है वो घूम आ, घूम भी जाता है कई बार आप लोगों ने जैपनीज जो आर्किटेक्चर वगैरह में देखा होगा या जैपनीज जब हम आर्ट जो है परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी इस तरीके के फैंस जो है जिनसे हवा

फैलाव कुछ इस तरीके से किया है कि एक फैन जैसी स्थलाकृति बन गई है और ये स्थलाकृति कहाँ की है यह चित्र है अमरनाथ का जम्मू कश्मीर के मार्ग में एक पहाड़ी सरिता द्वारा निक्षेपित जलोड़ पंख यहां से क्या है पानी के समय जब पानी मान लीजिए आ रहा होगा बहकर भे, पानी आ रहा होगा तो इस पानी ने जब चट्टानों का फैलाव किया होगा अपने गिरिपदीय क्षेत्र में गिरिपद मतलब ये पर्वत है पूरे पर्वतों के जो फुटिल्स मतलब पैर के पास जो है जो आकृति बन रही है इसे हम लोग जेलोड पंख बोलते हैं मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि ये डायग्राम्स जो है ना अपने मस्तिष्क में बिल्कुल बिठा लीजिए अपने दिमाग में इनको बिठा लीजिए आप लोगों को जब भी जलोड़ पंख के बारे में अति लघोत् लघोत्य और दीर्घोत्रीय प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को इस तरीके के डायग्राम्स बनाने रहेंगे कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई फैंसी डायग्राम बनाएं लेकिन एग्जामिनर को बस इतना समझ में आ जाए कि हाँ भाई बच्चा जो है वो पढ़ाई करके आया है चलिए हम लोग जलोड़ पंख के बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोड़ पंख का निर्माण होता है तो देखिए यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको आप लोगों को याद रख लेना है जैसे कि जब नदी उच्च स्थलों से तो देख लीजिए यहाँ पर ऊपर पर्वत है उच्च ऊंचे स्थान है उच्च स्थलों से गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में गिरिपद मतलब ये पर्वत अब जो है खत्म हो रहा है और मैदानों से जो है मिल रहा है भाई कोई भी पर्वत जो होता है वो एकदम से स्टीप

तो नदी जब यहाँ से बहकर आएगी ना तो अपने साथ जो भी चट्टानी कण मिट्टी जो भी होगी वो यहाँ से तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में और तेज भाव के कारण वो चट्टानी कण नीचे आ जाएंगे लेकिन जैसे ही ढाल मंद पड़ेगी जैसे ही समतल मैदानों में नदी प्रवेश करेगी वो चट्टानी कण फैला दिए जाएंगे और आकृति कौन सी बनेगी ये जलोड़ पंख वाली उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी साधारणतया पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार के नग भार को वहन करती हैं तो जनरली पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदियां बहती हैं तो भारी भारी चट्टानी कणों का क्या कर देती हैं? परिवहन कर देती हैं क्योंकि वहां पर उतनी ज्यादा मेहनत नदी को नहीं करनी पड़ती ढाल की मदद मिल जाती है मंद ढालों पर नदियां यह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं मंद ढालों में क्या होती है नदियों की स्पीड क्या होती है कम होती है और वहां पर नदियां इन चट्टानी कणों को वहन करने में क्या होती हैं असमर्थ होती हैं तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है जिसे जलोड़ पंख कहते हैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी अगर आप लोगों को जलोड़ पंख के बारे में एलिवियल के बारे में जो मैंने बताया है समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जो नदियां जलोड़ पंखों से बहती हैं वो प्रायः अपने वास्तविक वह मार्ग को दूर तक नहीं बहती वास्तविक वह मार्ग को दूर तक नहीं बहती बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई बार शाखाओं में बढ़ जाती हैं जिन्हें जल वितरिकाएं कहते हैं देखिए मैंने बोला ना लैंग्वेज कई बार एनसीआर की बुक में खासकर हिंदी मीडियम में ये दिक्कत है कि थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है लेकिन आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि जनरली जब नदियां पहाड़ों में जो है बहती हैं जब पहाड़ों पहाड़ों में नदियां बहती हैं तो ये मान लीजिए मैंने पहाड़ बना दिए दो पहाड़ मैंने बना दिए और नदियां मान लीजिए इस पहाड़ से कहीं से जो है वो निकल रही हैं तो नदियां जब पहाड़ से निकलती हैं, तो इनका एक प्रॉपर चैनल होता है ये चैनल आप लोगों को नजर आएगा दो पहाड़ों के बीच में नदियां जो है प्रॉपर बह रही हैं, तो एक चैनल जो है यहां पर बना हुआ है लेकिन जैसे ही नदी गिरिपदीय क्षेत्रों में प्रवेश करती है जैसे ही नदी गिरिपदीय क्षेत्रों में प्रवेश करती है और जैसे ही समतल मैदानों में आती है तो समतल मैदानों में आने के बाद नदियां जो है वो विभिन्न वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है क्यों क्योंकि स्पीड होती है बहुत स्लो हो जाती है स्पीड स्लो हो जाती है तो नदी भी कंफ्यूज हो जाती है यहां जाऊं यहां जाऊं कहां जाऊं तो कभी कभी सीधी निकल जाती है कभी कुछ धाराएं उसकी अलग डायरेक्शन में निकल जाती हैं कभी दूसरी जो सरिता है वो किसी अन्य डायरेक्शन में निकल जाती है आर्ध्र प्रदेशों में जलोड़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले उच्च शंकु होते हैं तो आप लोगों से बोला जा रहा है कि भाई जहां पर आद्र प्रदेश ह्यूमिडिटी मान लीजिए ज्यादा होती है ऐसे प्रदेशों में ये सरिताएं जो होती हैं वहां पर निम्न शंकु की आकृति बनाती है और यहां पर जो ढाल होती है वो कैसी होती है मंद ढाल होती है लेकिन मान लीजिए शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है मान लीजिए यहाँ पर पानी बहुत कम गिर रहा है तो ऐसे क्षेत्रों में जब नदियाँ जलोड़ पंख बनाती हैं तो ढाल जो होती है वो उच्च होती है तीव्र होती है और उच्च शंघु बनते हैं ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अब हम लोग देख लेते हैं डेल्टा बहुत बार हम लोगों ने क्लास एलेवंथ में डेल्टा का जिक्र किया है डेल्टा और एस्टी में डिफरेंस क्या होता है आप सभी को जो है वो पता है लेकिन यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है एक चीज़ जो आप लोग मिस कर देंगे अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है और नदियों द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलाकृति कौन सी है अब हम अभी जो है हम कौन सी स्थलाकृति पढ़ रहे हैं हम निक्षेपित स्थलाकृतियां पढ़ रही हैं पढ़ रहे हैं याद रखना निक्षेपित स्थलाकृतियां हम लोग पढ़ रहे हैं अपर्दित स्थलाकृतियां नहीं पढ़ रहे हैं निक्षेपित स्थलाकृतियों का मतलब यहां पर चट्टानी और जो मिट्टी के कण होंगे वो जमा होंगे और जब जहां पर जमाव की बात आती है वहां पर निक्षेपण होता है जहां पर कटाव की बात आती है वहां पर अपर्दन होता है तो यहां पर जब हम लोगों ने जलोड़ पंख पढ़ा था ना तो जलोड़ पंख में भी चट्टानी कण निक्षेपित हो रहे थे यहां पर चट्टानी कण मिट्टी के कण जो है या मिट्टी जो है वो निक्षेपित हो रही थी कट नहीं रही थी कट कटते हुए तो कहीं से आई है यहां पर क्या हो रहा, है? यहां पर हो रहा है जमाव लेकिन जब अपर्दन होता है तब जमाव नहीं होता अपर्दन होता है जब कटाव होता है तो एक और निक्षेपित तो जो आकृति है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं उसका नाम है डेल्टा देखिए डेल्टा क्या होता है जब नदी मान लीजिए कोई पर्वतीय इलाकों से निकलती है तो ये देख लीजिए मान लीजिए भारत मैंने बना दिया बहुत प्यारा भारत यहाँ से एक नदी निकल रही है मान लीजिए गंगा नदी गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से जो है निकल रही है अब गंगोत्री हिमनद से निकलने के बाद जब ये नदी आ रही है तो इसकी ढाल जो है मैदानों क्योंकि यहाँ पर तो पर्वत है इस क्षेत्र में तो पर्वत होते हैं ना तो यहाँ पर ढाल क्या होती है तीव्र होती है और इस प्रदेश में नदियों की कौन सी अवस्था होती है हम लोगों ने नदियों की अवस्थाएं पढ़ी हैं जल्दी से पता है भाई पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया था हम लोगों ने नदियों की विभिन्न अवस्थाएं और मैंने तुलना करके बताया था आप लोगों को कि जीवन की अवस्थाएं जैसी होती हैं वैसी ही नदियों की भी अवस्थाएं होती हैं जैसे जीवन की अवस्थाएं होती है युवा अवस्था जिस अवस्था में आप वर्तमान में हैं तो युवा अवस्था आप सभी को पता है युवा होती है नदी फिर क्या नदी हो जाती है प्रौढ़ तो अवस्था हम लोगों ने पढ़ी है और लास्ट में हम लोगों ने वृद्धा अवस्था के बारे में यानी वृद्ध जो जन होते हैं उनकी अवस्थाएं देखी थी तो कुल मिलाकर युवा प्रौढ़ और वृद्ध जैसी जीवन की अवस्थाएं होती हैं, वैसी नदियों की भी अवस्थाएं होती हैं तो नदियां पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी अवस्था में होती हैं नदियां पर्वतीय क्षेत्रों में युवा अवस्था में होती हैं बिल्कुल तीव्र ढाल से चलती हैं रास्ते में जो आता है काटते छांटते सब जो है आगे बढ़ती हैं लेकिन जैसे ही समतल मैदानों में प्रवेश करती हैं खासकर ये येलो पेन से मैं जो है वह ना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए यहां पर जो नदियां होती हैं वो समतल मैदानों में प्रवेश करती हैं यहाँ पर इस नदी की प्रौढ़ा अवस्था आ जाती है मतलब यहाँ पर ढलान जो पर्वतीय क्षेत्रों में थी समतल मैदानों में अब उतनी ढलान नहीं रहेगी और जैसे ही नदी समुद्र से मिलने वाली होती है जैसे ही नदी समुद्र से मिलने वाली होती है यहाँ पर ढाल एकदम कमजोर पड़ जाती है बहुत कम ढाल यहाँ पर होती है अब आप एक बार जो है मान लीजिए आप किसी टेबल आप एकदम प्लेन टेबल पर जो है एक गिलास पानी रखिए और उस पानी को गिराइए तो आप लोग गैस नहीं कर पाएंगे कि वो पानी जो है किस डायरेक्शन में जाएगा लेकिन ध्यान रहे कि टेबल जो होना चाहिए वो एकदम प्लेन होना चाहिए इसमें ढलान नहीं होनी चाहिए तो बस वैसी स्थिति नदियों की होती है जैसे आप प्लेन टेबल पर एक गिलास पानी डालेंगे तो जो पानी है वो अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएगा आप गैस नहीं कर पाएंगे लेकिन ढाल में आप पानी डालेंगे तो आपको पता चले जाएगा कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में ही पानी जाएगा लेकिन यहां पर देखिए अब नदियों की जो ढाल है वो एकदम कमजोर पड़ गई अब ढाल नहीं रही अब ढाल नहीं रही तो जैसे ही पानी इस पर में जाता है उसे समझ नहीं आता और वो विभिन्न डायरेक्शन में बट जाता है विभिन्न डायरेक्शन में बट जाता है और अपना डिपोजिशन अपने साथ जो भी मिट्टी जो भी चट्टान जो भी कंकड़ पत्थर लाई है वो नदी इनका जमाव यहाँ पर कर देती है नदी के द्वारा इनका जमाव कर दिया जाता है और एक त्रिभुजाकार आकृति यहाँ पर बन जाती है ट्रायंगुलर शेप जो है यहाँ पर आकृति जो है बन जाती है और इस त्रिभुजाकार आकृति को बोला जाता है डेल्टा क्या बोलते हैं डेल्टा जैसे कि भारत में एक फेमस डेल्टा है जिसका नाम क्या है सुंदरवन डेल्टा तो आप लोगों ने डेल्टा का नाम पढ़ा ही है पिछली जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे थे खासकर हम लोगों ने प्रवाहित जल के द्वारा नदियों के द्वारा जो कुछ आकृतियां या पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने जो है कि अलग अलग जो अपवाहित नदियां थी उनके बारे में पढ़ा था जो हम लोगों ने गंगा नदी नर्मदा नदी हम लोगों ने कृष्णा नदी के बारे में पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ नदियां डेल्टा बनाती हैं कुछ नदियां एश्चरी बनाती हैं तो गंगा नदी उनमें से एक प्रमुख नदी है जो फेमस सुंदरबन डेल्टा बनाती है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ऐसा ही एक उदाहरण को यहाँ पर नजर आ रहा है कृष्णा नदी डेल्टा जो आंध्र प्रदेश के भाग का उपग्रह द्वारा लिया गया एक चित्र है तो यहां पर देखिए आप नदी आ रही है और ये विभिन्न डायरेक्शन में क्या हो रही है बट रही है अब विभिन्न में बट रही है दिशाओं में जा रही है तो अपने साथ कणों का जमाव भी यहां पर क्या कर रही है कर रही है उम्मीद करता हूं आप लोगों को डेल्टा के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी और याद रहे ये गणित का एक लेटर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एक सिंबल होता है लेटर तो नहीं सिंबल होता है डेल्टा और उस सिंबल संकेत के नाम पर ही इन स्लाकृतियों का नाम डेल्टा रखा गया है तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड के बारे में जो भी बातें मैंने बताई हैं समझ में आ गई होगी अब इस स्लाइड में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं ना उनको एक बार हम लोग समझ लेते हैं डेल्टा जलूण पंखों की ही भांति होते हैं लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है देखिए डेल्टा जो होते हैं ना वो लगभग लगभग जलूण पंखों की भांति ही आप लोगों को नजर आएंगे विकसित होने का स्थान मतलब अलग अलग जगह पर जो है ये बनते हैं देखिए जलोर पंख के बारे में जब हम लोगों ने देखा था तो ये पर्वतों से जब नदियां जो है उतरती हैं तब जलोर पंख की आकृति बनती है और डेल्टा कब बनते हैं जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो स्थान अलग अलग हो गए तो पंख जब नदियां पर्वतों से उतर रही थी तब पंख बन रहे थे और डेल्टा कब बन रहे हैं जब नदियां समुद्र में मिल रही हैं तो ये देख लीजिए यहां पर समुद्र है और नदियां समुद्र में मिलने से पहले विभिन्न सरिताओं और वितरिकाओं में क्या हो रही है बट रही है और किस वजह से बट रही है मंद ढाल की वजह से बट रही है उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती है अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो, हो तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है यदि भार जो है समुद्र में नहीं जाता तो यह तट के पास ही जो है ना देख लीजिए एक शंकु के रूप में जो है वो फैल जाता है शंकु का शंकु का शंकु की आकृति आप लोगों ने देखी होगी ना जैसे आप लोगों ने बर्थडे कैप देखा होगा ना बर्थडे कैप तो कैप जैसी जो है हैकृति यहां पर बन जाती है कैप भी एक तरीके का क्या है शंकु ही है जलोड़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोड़ स्तरित होता है है देख लीजिए क्या लिखा गया कि जलोड़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है व्यवस्थित क्यों क्योंकि यहां पर एक एक सालों तक की एक प्रोसेस जो होती है इन्वॉल्व होती है कि नदी आएगी डेल्टा जो है वो बनाएगी कई बार जलोर पंख नहीं बनते लेकिन डेल्टा जो है डेफिनेटली बनता ही है क्योंकि वहां पर स्थलाकृति तो जो है हमेशा मंद ढाल ही रहती है और यहाँ पर जो आ, डेल्टा होता है या आकृति जो बनती है स्तरित होती है स्तरित क्यों क्योंकि नदी तो जो है कंटिन्यूस फ्लो हो रही है कंटिन्यूस जो है नदी आ रही है कंटिन्यूस आ रही है तो अपने साथ मलबा भी लगातार ला रही है और मलबा ला रही है तो लेयर बाय लेयर उन मलबों का जमाव हो रहा है इसलिए यहां पर जो मिट्टी होती है वो क्या होती है स्तरित होती है उनका स्तर या लेयर जो होती है वो बन जाती है अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चीका मिट्टी गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है तो मोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर होंगे वो तो क्या होंगे जो नदी है उसके किनारों पर ही जमा हो जाएंगे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर लेकिन जो बारीक मिट्टी गाद चीका एकदम बारीक मिट्टी रेत जैसी होगी वो समुद्र में मिल जाती है क्यों भाई उनमें भार नहीं होगा ना उनको तो मंद ढाल भाला ही वाला ही जो पानी होगा वो दूर तक ले जाएगा जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा जब नदियां जो होती हैं ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, तो तट कैसे लंबे लंबे हो जाते हैं तो नदियां जो है लगातार मलवा ला रही हैं लगातार मलवा के लाने से तो ये जो समुद्र है धीरे धीरे दूर तक जो है हमने को नजर आएगा क्यों क्योंकि मिट्टी जो है गाद जो है चीका जो है धीरे धीरे समुद्र में जमा होगा धीरे धीरे समुद्र में जमा होगा तो यहां पर स्थल रूप नजर आने लगेगा समुद्र थोड़ा दूर नजर आएगा कुछ साल और बीतेंगे तो यहां पर जो है एक सूखा इसलाकृति यहां पर निर्मित हो जाएगी समुद्र थोड़ा और दूर नजर आने लगेगा और हो क्यों रहा है क्योंकि यहां से जो मलबा आ रहा है वो समुद्र का, आ, का जो तट है उसको ढक रहा है समुद्र के तट को वो मलबा ढक रहा है तो समुद्र थोड़ा हमें लगता है कि ये तट की जो लंबाई है वो दूर तक फैलते जा रही है उम्मीद करता हूं आप लोगों को डेल्टा के बारे में ये जितनी भी जानकारी मैंने बताई है वो क्लियर हो गई होगी अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करना है आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं हम लोगों ने पंख यानी एलवीएल फैंस के बारे में पढ़ चुके हैं अब हम लोगों ने डेल्टा के बारे में पढ़ लिया है अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बाढ़ मैदान प्राकृतिक तटबंध था विसर्पी रोधिका तो हम लोग बाढ़ मैदानों के बारे में पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक तटबंध के बारे में पढ़ने पढ़ने वाले वाले हैं हैं और विसर्पी रोधिका के बारे में पढ़ने वाले वीडियो को जल्दी से लाइक करिए चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करना है किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है चलिए बाढ़ मैदान प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं जिस प्रकार अपर्दन से घाटियां बनती हैं उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। भाई नदी जो है है मान लीजिए आ रही देख लीजिए यहाँ से नदी जो है वो निकल कर आ रही है नदी निकल कर आ रही है तो फिर इस नदी में जब पानी बढ़ता है नदी में जब पानी बढ़ता है तो नदी का नदी का जो तट है वो क्या होता है फैल जाता है देख लीजिए यहाँ पर फैलाव देखने को मिल रहा है पहले सकरा एक चैनल था अब फैलाव देखने को मिल रहा है पानी यत्र तत्र सर्वत्र क्या हो रहा है फैल रहा है तो ये जो है बाढ़ के मैदान हमें नजर आ रहे हैं अब ये जो आकृति है ना आप लोगों को ऐसे सामने से तुरंत जो है नजर नहीं आएगी जब आप सैटेलाइट इमेज लेते हैं ना या आप जब फ्लाइट में सफर करते हैं तब आप लोगों को नजर आता है आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब बाढ़ आ जाती है ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो है वायु दौरे पे निकल जाते हैं हेलीकॉप्टर से या फिर एरोप्लेन से नज़ारा देखते हैं कि भाई बाढ़ जो थी वो कितनी भीषण थी तो कई बार ये पानी जो है वो सकरे चैनल में आता है और इस जो है जब पानी बढ़ जाता है तो कहीं भी ये पानी फैल जाता है एक चैनल के रूप में पानी नहीं रहता तो कहीं भी पानी फैल जाता है और यहाँ पर कभी कभी क्या होती हैं बस्तियाँ होती हैं और इन बस्तियों में पानी भरा जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं बाढ़ के मैदान क्योंकि जब नदी का जो पानी है यहाँ से हट जाएगा तो एक तरीके का मैदान यहाँ पर बन जाएगा और इसे हम लोग कौन सा मैदान बोलेंगे बाढ़ का मैदान बोलेंगे यह मुख्यकृति है जो नदी बनाती है और कौन सी करती है निक्षेपित निक्षेपण वाली या प्रदन वाली सी बात है निक्षेपण वाली इसलाकृति है क्यों क्योंकि बाढ़ आ रही है तो नदी अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर ला रही है वो सभी जगह जो है वो इकट्ठा कर रही है आप डायग्राम में देख सकते हैं बहुत अच्छे से ठीक है जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत चीका मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम बेग वाली जलधाराओं में मिलते हैं और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं तो मंद ढाल पर जब पानी जो है वो फैल जाता है पानी फैल जाता है तो सिर्फ मिट्टी गाद चीका ही बसते हैं तो वो वहां पर जमा हो जाते हैं मैंने आप लोगों को एक उदाहरण भी बताया था अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो गांव में रह रहे होंगे या कई बार आप लोगों जो है विभिन्न घाटों का आपने सफर किया होगा जब घाटों पर हम लोग जाते हैं जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बाद घाट जो है वो डूब जाते हैं सीढ़ियां जो होती हैं घाट की डूब जाती हैं और जब पानी जो है नीचे उतरता है तो पानी नीचे उतरता है तो आप लोग देखेंगे कि सीढ़ियों पर मिट्टी की एक लेयर जम जाती है अब सोचकर देखिए सीढ़ियों पर मिट्टी की लेयर जम गई क्या ये लेयर मैदानों पर नहीं जमेगी जब मैदानों पर जमेगी तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे बाढ़ कृत मैदान बोल देंगे उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं ठीक है उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर है चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान जो हैं वो कहते हैं भाई कुल मिलाकर जहां पर लगातार बाढ़ आ रही है या लगातार जहां पर पानी फैलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सक्रिय मैदान बोलते हैं क्योंकि बार बार पानी आता है बार बार अपने साथ मिट्टी लाता है बार बार अपने साथ गाद चीका रेत लाता है तो ऐसे मैदानों को क्या बोलेंगे सक्रिय मैदान कि भाई सक्रिय है अभी भी बाढ़ आ रही है लेकिन मान लीजिए कई बार बाढ़ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता वहां तक तो उन्हें हम असक्रिय मैदान बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए ये पानी आ रहा है अब देख लीजिए यहाँ पर कितना जमाव इस पानी ने किया है तो ये बाढ़ कृति ही इसला कृति है लेकिन पहले पानी कभी यहां तक आया करता होगा लेकिन अब नहीं आता तो ये असक्रिय मैदान है लेकिन ये कौन सा मैदान है सक्रिय मैदान है ठीक है असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई पर होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं बाढ़ निक्षेप व सरिता निक्षेप मैदानी नि, भागों में नदियां प्रायः क्षेत्र दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे जो है वो भर जाता है तो मैदानी क्षेत्रों में नदियों का जो पानी है वो क्षेत्रज रूप में ही चलता है ना भाई क्षेत्र रूप मतलब क्या होता है इस तरीके से जब पानी बहता है तो इसे हम बोलते हैं कि नदियों का पानी क्षेत्र रूप में बह रहा है और नदियां नदियों का पानी जब धरातल द्वारा सोख लिया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि उद्वादा रूप में बह रहा है तो जब बाढ़ जब मैदानी भागों में नदियां प्राय है दिशा में ही अपना मार्ग जो है बदलती हैं भाई क्षेत्रीय दिशा में बदल रही है देख लीजिए आ रही है है और ये पानी जो है अलग अलग डायरेक्शन में फैल रहा है कुल मिलाकर इसका इसका मतलब मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि पानी जो है अपनी डायरेक्शन क्या है बदल रहा है और बदल रहा है किस रूप में क्षेत्रीय रूप में बदल रहा है और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है तो अभी जो मार्ग हमें कटा फटा नजर आ रहा है क्योंकि पानी कम है जब पानी बढ़ जाएगा तो ये पानी जो है इसके ऊपर से बहने लगेगा और हमें

कोई गांव है मान लीजिए या मध्य प्रदेश में मान लीजिए बन रहे हैं या उत्तर प्रदेश में, में बन रहे हैं बिहार में बन रहे हैं जहां पर डेल्टा तो नहीं है क्यों क्योंकि डेल्टा स्थलाकृति तो वहां पर बनती है जहां पर नदी समुद्र से मिलती है तो नदी समुद्र में मिलने से पहले ऐसी स्थलाकृति बनेगी तो इसे हम लोग बनाएंगे इसे हम लोग बोलेंगे बाढ़कृत मैदान लेकिन अगर ऐसी स्थलाकृति समुद्र तट के पास बनती है तो हम लोग उसे डेल्टा मैदान बोलते हैं समझ में आ रहा है डेल्टा कहाँ होता है भाई समुद्र तट के पास होता है तो समुद्र तट के पास अगर मैदान बन रहे हैं इस तरीके के तो उसे हम डेल्टा मैदान बोलेंगे और अगर समुद्र तट के पास नहीं कहीं जो है बीच में कहीं पर बन रहे हैं नदी के मार्ग में बन रहे हैं तो इसे हम लोग सिंपल जो है वो बाढ़कृत मैदान बोलेंगे बस उन्हें हम डेल्टा मैदान नहीं बोलेंगे ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, तो मैदान हम लोगों ने समझ लिए हैं अब हम लोग प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका के बारे में समझ लेते हैं प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप है जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित है प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारों पर पाए जाते हैं ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में सूल पदार्थों के रैखिक निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं नदी रोधिकाएं रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तल छटों के नदी किनारों पर निक्षेपण से बनती हैं अब यहां पर आप लोग देख लीजिए ये डायग्राम में आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो ये नदी जो है मान लीजिए ऐसे बह रही थी नदी जो है इस तरीके से बह रही थी तो इस नदी ने अपना जो है एक चैनल जो है वो खुद ही क्रिएट कर लिया है किस वजह से क्रिएट कर लिया है जमाव की वजह से क्रिएट कर लिया है भाई मिट्टी जमा हो रही है इस वजह से नदी ने अपनी क्या है खुद बाउंड्री डिसाइड कर ली है क्योंकि नदी लगातार बहती है लगातार बहती है तो डिपोजिशन जो है स्पीड स्लो होती है जैसे कि नदी के बीच में जो है पानी जो रहेगा उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी लेकिन जैसे इसे किनारे पर आएंगे यहां पर स्पीड क्या रहेगी कम रहेगी तो यहां पर जब किनारों पर स्पीड कम होती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध क्योंकि यहां पर मिट्टी का जमाव होता है मिट्टी का जमाव होता है तो अगली बार जब पानी आएगा तो पानी इस जमाव के कारण इससे अंदर ही बहेगा है ना भाई क्योंकि यहां तो मिट्टी जमा है यहां पर मिट्टी जमा है तो पानी जो है इसके अंदर ही बहेगा इसके अंदर बहेगा तो मतलब बाउंड्री बना दी है एक तट बांध दिया है नदी का इसीलिए इसे हम लोग बोल रहे हैं प्राकृतिक तटबंध जैसे डैम्स होते हैं बांध होते हैं जिनमें पानी जो है एक जगह इकट्ठा होता है पानी इधर उधर नहीं जाता जिसे हम कृत्रिम तरीके से बनाते हैं ऐसा प्राकृतिक नदियों द्वारा भी एक बांध जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है इसे हम लोग प्राकृतिक तटबंध बोलते हैं ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी अब विसर्पी रोधी क्या, है, क्या होती है एक बार हम लोग देख लेते हैं नदी रोधिकाएं है, रोधिकाएं बड़ी नदी मार्गों के अवतलन ढालों पर पाई जाती हैं, और यह रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनती हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को स्थलाकृति जो है वो देखने को मिलेगी जब नदी के किनारे पर ऐसी स्थलाकृतियां या नदियों के बीच में ऐसी स्थलाकृतियां बनती हैं किनारों पर बनती हैं तब इसे हम नदी रोधिकाएं बोलते हैं क्या बोलते हैं नदी रोधिकाएं बोलते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि प्राकृतिक तटबंध जो है पूरे किनारों पर पाया जाएगा पूरे किनारों पर प्राकृतिक तटबंध पाया जाएगा जो नदी को बांध कर रखेगा लेकिन नदी रोधिकाएं बहुत कम जगह पर पाई जाएंगी सिर्फ किनारे किनारे पर पाई जाएंगी जहां पर नदी शुरू हो रही है अंत हो रहा है कुछ कुछ बीच वाले स्थानों पर नदी रोधिकाएं पाई जाती हैं इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके इनके अवसाद 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 मिश्रित आकार के होते हैं हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अवसाद, अवसाद मतलब नदियां जो कंकड़ पत्थर और कचरा जो भी ला रही हैं तो उनका आकार जो रहेगा लगभग लगभग समान रहेगा और इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है तो नदी रोधिकाओं की चौड़ाई आप लोग देख लीजिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी ने पेन से बनाया है ठीक है लेकिन ऐसा जब आप ओरिजिनल जो है डायग्राम देखेंगे ना एकदम कृत्रिम घाट की मैं बात नहीं कर रहा हूं जहां पर रेत वगैरह होगी तो ऐसी रोधिकाएं आप लोगों को देखने को डेफिनेटली मिलेंगी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो चौड़ाई और परिच्छेदिका मतलब मोटाई की बात हो रही है लगभग क्या होती है एक समान होती है है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी विसर्पी रोधिकाओं के बारे में विसर्पी रोधिकाएं मतलब आप लोग मियांडर बार्स भी इनको बोलते हैं और मियांडर हम लोग को पता है ऐसे मियांडर्स होता है ऐसी डिजाइन अगर नदियां बनाती हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं मियांडर ही बोलते हैं और उनमें से ही एक हिस्सा कट करके यहां पर आप लोगों को बता दिया गया है ठीक है चलिए अब हम लोग नदी विसर्प के बारे में पढ़ लेते हैं यानी मियांडर्स के बारे में पढ़ लेते हैं हालांकि थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं मियांडर मतलब इस तरीके से सर्पिलाकार जब आकृति होती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं मियांडर्स बोलते हैं श्रंग और गर्त बनते हैं ना आप लोगों ने नाइन टेंथ के क्लास में देखा होगा कि श्रंग गर्त जैसी स्थलाकृति यहां पर बन रही है नदी विसर्प यानी मियांडर्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्गों में बहती हैं, बार बार ही मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं जिन्हें विसर्ग बोलते हैं भाई हम लोग जैसे बचपन में ड्राइंग बनाते हैं ना बचपन में ड्राइंग आप लोगों ने देखी होगी हमेशा एक ड्राइंग बचपन में बच्चे जो है जरूर बनाते हैं जिसमें एक पर्वत बना देंगे फिर ठीक है यहाँ पर सन बना देंगे सूरज बना देंगे फिर यहाँ पर एक घर बना देंगे ठीक है आप लोगों तो ने बचपन में ऐसी ड्रॉइंग जरूर बनाई होगी मैं बिल्कुल गारंटी से बोल सकता हूँ फिर यहाँ पर क्या करेंगे एक पुल बना देंगे एक नदी बना देंगे एक ब्रिज जो है वो क्रिएट कर देंगे इस तरीके की डायग्राम आप बनाएंगे तो नदी जब भी आप बनाते थे ना तो ऐसी एक प्रॉपर सीधी नदी जो है आप लोग बना देते थे ड्रॉइंग में भाई ऐसी नदियाँ जो है ना डायग्राम में ही होती हैं यदि हम रियल लाइफ की बात करें तो ऐसी नदियां नहीं बहती एकदम सीधे चैनल के रूप में कोई नदी बह रही है ऐसी नदियां नहीं बहती ओरिजिनली जब नदियां बहती हैं तो इस तरीके से मियांडर्स या सरपेलाकार आकृति बनाती ही बनाती हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं विसर्प बोलते हैं देख लीजिए यहां पर यह विसर्प बन रहा है ठीक है ये प्राक, ये बिल्कुल एकदम सही चित्र है जो बनाया गया है तो ये चित्र कहाँ का है मुजफ्फरपुर बिहार के समीप विसर्पी बूढ़ी जो गं, गंडक नदी है इससे इसका जो डायग्राम है जब इस नदी ने बनाया है उपग्रह से इस डायग्राम का चित्र लिया गया है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी विसर्प क्या होता है सर्पिलाकार जो आकृति होती है उसी से ही नाम पड़ा हुआ है विसर्प ठीक है विसर्प एक स्थल रूप ना होकर एक प्रकार का चैनल प्रतिरूप है नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित होते हैं तो नदी क्या है एक आकृति मात्र नहीं है कि बिल्कुल एक जगह हम लोगों ने देख लिया तो देखो विसर्पनल है।, तो है जो नदी जो है पूरा फॉलो करती है एकदम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जिस पाथ को फॉलो करती है उस पाथ को ही तो क्या बोल रहे हैं हम लोग विसर्प बोल रहे हैं तो विसर्प बनने के कारण क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षेत्र या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना तो नदियां जब बहती हैं ना तो कटाव करने की प्रवृत्ति होती है जैसे कि मान लीजिए नदी पहले कभी मान लीजिए सीधे डायरेक्शन में बह रही थी लेकिन इसने क्या किया कि इस इधर पर मान लीजिए कटाव कर दिया यहाँ पर क्योंकि पानी जा रहा है पानी जो है जाता है तो कटाव करता है अपरदन करता है तो नदी जो है जो है मान लीजिए सीधी जा रही थी अब मान लीजिए ऐसी फैल गई अब नदी मान लीजिए ऐसी फैल गई कुछ दूरी पर जाने के बाद उसने कटाव जो है इस डायरेक्शन में कर दिया तो अब नदी जो है ऐसी फैल गई तो कुल मिलाकर विसर बन रहे हैं है। मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर या पार्श्विक कटाव जो है देखने को मिल रहा है क्षेत्र कटाव मतलब जो होता है इस डायरेक्शन में सीधे सीधे कटाव हो रहा है तो हम क्षेत्र कटाव बोलते हैं किनारों पर अगर कटाव होता है तो इसे हम पार्श्विक कटाव बोलते हैं उर्द्वादर अगर कटाव हम लोगों को देखने को मिलता है तो तटों पर जलोड़ का अनियमित व संगठित जमाव जिससे जल के दबाव का नदी पार्शो नदी पार्शो का बढ़ना जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्व पर पड़ना मतलब कुल मिलाकर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई नदी जो है मान लीजिए बह रही है नदी मान लीजिए बह रही है तो बीच में मान लीजिए कोई चट्टान आ गई कोई चट्टान आ गई या कठोर जो है जमाव यहां पर देखने को मिला तो नदी ने क्या किया अपनी स्थलाकृति जो है वो बदल ली नदी ने अपनी स्थलाकृति बदल ली और इस तरीके से मान लीजिए वो बहने लगी तो कई बार जमाव मिट्टी के जमाव हो जाते हैं जमाव होने की वजह से नदियां जो है वो विसर्प बना देती हैं प्रवाहित जल का कोरियोलिसिस प्रभाव से विक्षेपण ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिसिस बल से वायु प्रवाह विक्षेपित होता है भाई कोरियोलिस बल हम लोगों ने देखा हुआ था बल आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं आप लोगों को हम लोगों ने देखा था कि ये मान लीजिए ये हम लोगों का उष्ण कटिबंध है उष्ण कटिबंध पर उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से कुछ हवाएं जो हैं वो निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों पर इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बना रहा हूं ना इस डायरेक्शन में चल रही हैं अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो हवाएं चल रही है आपने ऐसी इनको इनकी जो डायरेक्शन है ऐसी विकर्ण स्वरूप में क्यों बनाई है हवाएं तो सीधी भी चल सकती हैं भाई आइडियली तो हवाएं क्या होती हैं सीधी भी चल सकती हैं आप ऐसा भी तो डायग्राम बना सकते थे ना तीर की डायरेक्शन आप ऐसी बना सकते थे लेकिन क्या होता है जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है तो एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम कोरियोलिसिस बल बोलते हैं और इस बल के प्रभाव से इन नदियों की जो डायरेक्शन वो सॉरी पवनों की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है और नदियां ऐसी ना होकर क्या होती हैं हवाएं

जब उच्च जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं कई बार आपने देखा होगा कि ढाल जो है एकदम जो है वो बिल्कुल स्लो हो गई ढाल अब है ही नहीं ढाल अब जब नहीं है तो पानी कुछ ज्यादा ही घूमने जो है वो लगता है जैसे कि मान लीजिए जब हमारे एग्जाम नहीं होते तब हम कैसे पूरे जो शहर है उसके चक्कर लगाने लगते हैं घूमने लगते हैं जब एग्जाम नहीं होते एग्जाम नहीं है तो हम घूमने लगे ऐसे ही नदी में ढाल नहीं है तो नदी भी क्या कर रही है घूम रही है यहाँ पर ये यह नदी कुछ ज्यादा ही विसर्प जो है यहाँ पर बना रही है कुछ ज्यादा ही मंडरा रही है ये यह बात यहाँ पर लिखी गई है कि जब चैनल की ढाल प्रमणता जो है अत्यधिक मंद होती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्शो का कटाव अधिक हो जाता है अब पानी जो है बिल्कुल रुक रुक के कटाव बिल्कुल तसल्ली से जो है कटाव करेगा अब आपके पास समय है एग्जाम नहीं है तो आप शहर की एक ही चीज देखने लगते हो कि भाई शहर में पार्क है शहर में रोड बन रही है क्या बन रहा है क्या काम चल रहा है वो शहर में तो अब नदी भी क्या करेगी जब स्पीड स्लो है तो बराबर समय दे जो है वो कटाव करने लगेगी नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और जहां भी कमजोर चट्टान दिखी तुरंत जो है उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया नदी ने अगर ढाल कम होती है और विसर्प क्या हो करती है बनाने लगती है यह मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोण जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपर्दित होता रहता है अगर अपर्धन निक्षेपण तथा निम्न कटाव ना हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है भाई कटाव नहीं होगा कटाव नहीं होगा भाई विसर्प क्यों बन रहा है ये विसर्प बन क्यों रहे हैं विसर्प इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में ज्यादा कटाव हो रहा है अगर कटाव होगा ही नहीं तो विसर्प नहीं बनेंगे नदी क्या होगी सीधे 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 बहने लगेगी तो यही बात यहां पर लिखी गई है कि अगर अपरदन निक्षेपण निम्न जो कटाव है ना हो अगर कटाव हो ही ना तो विसर्प की प्रवृत्ति क्या होती है कम होती है अब बहुत ज्यादा नदी नहीं घूमती है प्रायः बड़ी नदियों के विसर्पों में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी यानी अंडरकटिंग जमाव होते हैं तो क्या लिखा गया है कि बड़ी नदियों के विसर्ग में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं तो आप लोग अवतल किनारा क्या है यह है और दूसरा किनारा जो होता है अधोमुखी यहां पर अपर्दन हम लोगों को देखने को मिलता है तो कटाव यहां पर सक्रिय रूप से होगा क्योंकि नदी यहां पर आएगी तो ज्यादा दबाव यहां पर पड़ेगा तो यहां पर हम लोगों को सक्रिय निक्षेपण जमाव देखने को मिलता है यहां पर मिट्टी या कुछ भी चीजें हैं उनका जमाव हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर जो जमाव होगा वो उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव हमें देखने को वो मिलता है तो वो उत्तर डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है अवतल डायरेक्शन है जैसा कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा उत्तर लेंस और अवतल लेंस ठीक है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना स्कूल में अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं जो अधिक अपर्दन से तीव्र कगार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो जहां पर जो कटाव होता है तीव्र होता है बहुत ज्यादा कटाव होता है तो आप लोगों को देखा आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम लोगों ने गौर जिम में बताया था मैंने आप लोगों को कि एक तीव्र ढाल जो है वो देखने को मिलती है तो कटाव अगर अधिक हो कटाव अधिक होगा हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं अपर्दन तो अवतल किनारों पर कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं जो अधिक अपर्दन से तीव्र कगार तीव्र कगार मतलब ढाल एकदम जो रहेगी वो एकदम सीधी रहेगी के रूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं तो कटाव अगर तीव्र होगा तो तीव्र कगार के रूप में हमें आकृति देखने को मिलती है उत्तर किनारों का ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले आकार में विकसित हो जाते हैं ये अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाती है तो गोखुर झील तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि मान लीजिए ये नदी बहुत अच्छे से बह रही है नदी मान लीजिए बहुत अच्छे से ये मज़े में जो है मान लीजिए बह रही है और नदी के बहने की वजह से मान लीजिए ढाल जो है मान लीजिए बहुत मंद है और ये पानी मान लीजिए बह रहा है ये पानी अभी इस डायरेक्शन में बह रहा था तो धीरे धीरे इनके विसर्प जो है वो पास आते जाते हैं ये देख लीजिए इनके विसर्प क्या है मान लीजिए पास आ रहे हैं ये इनके विसर्प क्या हो रहे हैं मान लीजिए पास आ रहे हैं अब नदी क्या सोच रही है कि इतना डिस्टेंस में ट्रेवल करूंगी यहां से घूम कर यहां जाऊंगी तो नदी को जरा सी भी इस डायरेक्शन में इसी शॉर्टेस्ट जो रूट में मान लीजिए ढाल नजर आती है तो नदी का पानी जो है वो सीधा बहने लगता है नदी का पानी क्या होता है यहां पर देख लीजिए ये सीधा जो है यहां से यहां जा रहा है अब इतना घूम नहीं रहा है तो नदी जो है एकदम सीधी बहने लगेगी देखिए कुछ इस, इस तरीके से जो है नदी बहने लगेगी और ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला ये हिस्सा अलग हो जाएगा ये वाला हिस्सा क्या होगा अलग हो जाएगा और ये जो हिस्सा है जो हमारे जो पशु होते हैं गाय के जो खुर होते हैं उसकी तरीके की आकृति के नजर आएंगे ये वाला हिस्सा और इस तरीके की आकृति को हम लोग बोलते हैं गोखुर झील यानी

पर ये अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाती है तो आप लोगों को कितनी कठिन जो है वो भाषा इसमें लिखी गई है आप लोग जो है अपनी भाषा में भी गोखुर झील को समझा सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए एक मॉन्स्टर टाइप का मैंने इमेज जो है आप लोगों के लिए बना दी है ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को निक्षेपित स्थल रूपों में प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं डेल्टा क्या होते हैं और जलोर पंख क्या होते हैं गोखुर झील क्या होती है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अब हम लोगों को पढ़ना है भौम जल यानी ग्राउंड वाटर के बारे में भाई हम लोगों ने प्रवाहित जल के बारे में बहुत विस्तार से जान लिया पर क्या पानी धरातल के ऊपर ही बहता है नहीं भाई पानी तो भौम जल के रूप में धरातल के अंदर भी बहता है तभी तो हम पानी जो है नलकूपों के माध्यम से निकाल लेते हैं हेडपंप के माध्यम से निकाल लेते हैं तो कुल मिलाकर अगर मान लीजिए कहीं पर धरातल मौजूद है तो धरातल के बीच में चट्टानों के जो है बीच में ही कहीं पर पानी जो है क्षेत्र रूप में हम लोगों को दिखाई भले ही ना पड़े पर बहता जरूर है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भौमजल बोलते हैं और ये जो भौम जल ये जो ग्राउंड वाटर है ये भी विभिन्न तरह की अपर्दित और निक्षेपित स्थलाकृतियों का निर्माण करता है तो अब हम लोग भौमजल के द्वारा निर्मित अपर्दित और निक्षेपित स्थलाकृतियों के बारे में विस्तार से समझेंगे तो अभी तक आप लोगों को प्रवाहित जल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है जो भी स्थलाकृतियां मैंने बताई हैं अगर समझ में आ गई हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर कर दीजिए चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अब हम भौम जल के बारे में समझ लेते हैं म जल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है यहां भौम जल का अपर्दन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है देखिए यहां पर इस चैप्टर में हम लोग भौम जल के बारे में संसाधन के रूप में इसका जो है अध्ययन हम लोग नहीं पर, करेंगे कि भाई ग्राउंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है धीरे धीरे अगर हम ओवर एक्सप्लॉय करते हैं ओवर यूज करते हैं तो ये समाप्त तो हो जाता है प्रदूषित हो जाता है कृषि की वजह से उद्योगों की वजह से ये सब हम लोग नहीं पढ़ने वाले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भाई ग्राउंड वाटर जो है मौजूद जो है धरातल के अंदर जो पानी मौजूद है ये देख लीजिए यहां पर ऊपर हम कहीं रह रहे हैं लेकिन धरातल के नीचे तो पानी जो है इकट्ठा है ना ये जो पानी इकट्ठा है ये भी कुछ ना कुछ स्थलाकृतियां जो है वो बना रहा है तो कुछ ना कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण इस भूमजल के द्वारा किया जा रहा है तो उन्हीं स्थलाकृतियों का वर्णन हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं जब चट्टाने पारगम्य कम सघन अधिक चौड़े संधियों दरारों वाली हो तो धरातलीय जल का अंत श्रवण आसानी से हो जाता है भाई कई बार क्या होता है धरातल में जो है हम लोग को गैप्स जो है वो देखने को मिलते हैं गैप्स होने की वजह से ही तो जो बारिश का पानी है रिस रिस कर धरातल के अंदर पहुंच जाता है इसी तरीके से बड़े बड़े अगर छिद होते हैं रंध्र होते हैं तो इन रंध्रों के माध्यम से पानी का क्या होता है अंत श्रावण भी जो है आसानी से हो जाता है लंबाई गहराई पर जाने के बाद जब धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों छिद्रों व संस्तरण तल से होकर छेज अवस्था में बहना ये जो जल क्या क्या करता है प्रारंभ करता है कुल मिलाकर मान लीजिए कोई धरातल कोई जिस कोई धरातल था, था मान लीजिए जिस पर हम लोग रह रहे थे आप और मैं जैसे लोग जो है धरातल पर जो है हम लोग जो है रह रहे थे मान लीजिए अब यहां पर मान लीजिए बीच में कोई जो दरार थी और इस दरार के माध्यम से पानी जो है वो धरातल के नीचे मान लीजिए रिस, रिस कर चला गया तो तो शुरुआत में जो पानी था वो ऊर्ध्वाधर रूप में हमें नजर आ रहा है रिसते हुए नजर आ रहा है लेकिन नीचे ऊर्ध्वाधर रूप में नहीं रहेगा नीचे तो ये जो जल होगा वो क्षैतिज रूप से ही बहेगा ना यही बात यहां पर लिखी गई है कि लंबवत गहराई पर जाने के बाद ये गहराई जो है वो लंबवत है लंबवत गहराई के जाने के बाद जब जल तल के नीचे चट्टानों की संधियों छिद्रों व संस्तरण तल से होकर क्षेत्र अवस्था में बहना प्रारंभ करता है तभी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और स्थलाकृतियां कौन सी अपर्दित स्थलाकृतियां और निक्षेपित स्थलाकृतियां जल का यह क्षेत्र व ऊर्ध्वाधर प्रवाही चट्टानों के अपर्दन का कारण है तो जल द्वारा जो लंबवत जो है रिसाव होता है जो जल द्वारा लंबवत रिसाव होता है और क्षेत्र होती है जल की भूमिगत जल की बात कर रहा हूं भौम जल की बात कर रहा हूँ प्रवाहित जल की तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं तो इस वजह से कुछ अपर्दन होता है कुछ निक्षेपण होता है तो जल का या ऊर्ध्वा क्षेत्रिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाही चट्टानों के अपर्दन का कारण है भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप जो हैं वो महत्वहीन हैं। तो भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा जो स्थल रूप बने हैं वो महत्वहीन है क्योंकि हम लोगों को नजर भले ही नहीं आते इनका अध्ययन हम लोग जरूर पढ़ने वाले हैं इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता लेकिन ऐसी चट्टाने जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है उनमें धरातलीय व भौमजल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अनेक स्थल रूपों को विकसित करता है घोलीकरण के माध्यम से व अब के माध्यम से देखिए कहा क्या जा रहा है कहा यह जा रहा है कि भाई धरातल के नीचे भोम जल जो बहता है उनकी जो स्थाकृतियां हैं वो महत्वहीन है हम लोग उनकी स्थलाकृतियों का अध्ययन नहीं करते क्योंकि कोई स्थाकृति बनती नहीं है लेकिन जिन चट्टानों में चूने की प्रधानता होती है चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है जिन चट्टानों में मिला होता है तो चूने के कारण जब पानी उस चूने के संपर्क में आता है उन चट्टानों के संपर्क में आता है जिनमें चूना होता है तो पानी में स... पानी से संपर्क में आने के बाद चूना क्या होता है घुल जाता है चूना घुल जाता है और कोई स्थलाकृति बन जाती है बस उन्हीं का अध्ययन हम लोग जो हैं वो करने वाले हैं देख लीजिए लिखा गया है ऐसी चट्टाने जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है उनमें धरातलीय व भौमजल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्योंकि पानी जो है चूना युक्त चट्टानों से मिलेगा तो कोई ना कोई रासायनिक प्रक्रिया तो होगी ही तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं ये दो प्रक्रियाएं घोलीकरण व अपक्षेपण या तो चूना पत्थर व डोरमाई चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरा संस्तरित पाई जाती हैं तो अलग से भी कुछ स्थलाकृतियां हमें देखने को मिल सकती हैं जहां पर चूना पत्थर उन चट्टानों में या चूना पत्थर वाली चट्टाने मौजूद हैं या फिर हम लोगों को मिक्स भी ऐसी स्थलाकृतियां देखने को मिल सकती हैं जहां पर चट्टान अलग थी लेकिन कहीं कहीं पर चूना जो था वो मौजूद था तो कुल मिलाकर यहां पर आप लोगों को भौम जल का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही बेसिकली बताया जा रहा है हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाई चट्टानों के क्षेत्र में भूम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट स्थलाकृति का नाम दिया जाता है तो कुल मिलाकर भूमिगत जल में जहां पर चूना मौजूद होता है या फिर ऐसी चट्टाने जिनमें चूने की प्रधानता यानी कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है चूने के घुलने से जो स्थलाकृतियां बनती हैं उन्हें हम कास्ट स्थलाकृतियां बोलते हैं कौन सी स्थलाकृतियां बोलते हैं कास्ट स्थलाकृतियां तो आप लोगों से बार बार एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि भाई कास्ट स्थलाकृतियां या चूना पत्थर द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करें तो आप लोग हो सकता है आप लोगों को अपरदित स्थलाकृतियां पता हो तो आप अपरदित जो है स्थलाकृतियों का नाम लिखेंगे निक्षिपित स्थलाकृतियां पता हो तो निक्षिपित स्थलाकृतियों का नाम लिखेंगे और दोनों अगर पूछी गई हैं तो दोनों का वर्णन आप लोगों को करना पड़ेगा लेकिन आप लोगों को नाम याद रखना है कि चूना पत्थर जो स्थलाकृतियां होती हैं चूना पत्थर द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं उन्हें हम कास्ट स्थलाकृतियां बोलते हैं यह नाम एडियाटिक सागर के साथ बालकन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों

की रानी किस देश को किस स्थान को एड्रियाटिक की रानी बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताइए ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं कि भाई एड्रियाटिक जो तट है या एड्रियाटिक सागर जो है या कुल मिलाकर क्षेत्र जो है वो कौन सा है तो कम से कम आप ग्लोब जो आपका ग्लोब है या मैप है उस पर लोकेट तो कर पाए कि जहां पर जो है इस सागर के नाम पर या इस तट के नाम पर इन स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृतियां बोल रहे हैं तो कम से कम हमें जगह तो पता हो तो कुल मिलाकर हम लोगों ने अभी भौम जल का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि भौम जल कहाँ पर होता है निर्मित स्थलाकृतियों को किस नाम से जाना जाता है और कैसे जो है स्थल रूपों का निर्माण होता है अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भौम जल के द्वारा निर्मित अपर्दित और निक्षेपित स्थलाकृतियों का वर्णन करेंगे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ड्रिंस आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ड्रिंस चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारे कोर्सेस अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नजर आ जाएंगे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल आपको करना क्या है इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है चलिए फटाक से वीडियो को लाइक करिए ई e नोट्स और ई e बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू सो मच